मैं बादल सैनी, एटीवी न्यूज़, तहसील मोदीनगर, संवाददाता। आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ चैनल, भारत का तेज़ी से बढ़ता हुआ। तो आइए, आज ब्लॉक भोजपुर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन हुआ है, तो इस किसान धरना प्रदर्शन में आइए कुछ लोगों से हम सवाल करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण मलिक, NCR अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि आपने यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन लगाया है, किस उपलक्ष्य के लिए लगाया है? देखिए, धरना यहाँ पे हमारा हर महीने की 8 तारीख को यहाँ पे ब्लॉक पे हमारी पंचायत होती है किसानों को समस्याओं को लेके। आज हमारी समस्या थी, यहाँ पे आवारा पशु थे और जो जानवरों में बीमारी चल रही वो मुद्दा है, गन्ने की पेमेंट है और बहुत सारी हमारी किसानों की समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, तो उन समस्याओं को लेके किसान आज पंचायत कर रहा है यहाँ पे अपनी। तो जैसे कि किसानों की आज समस्याएँ हुई हैं, तो आपने ये समस्याएँ किस किस अधिकारी के सामने रही हैं? नहीं, हमारी अभी मासिक उसमें तहसील दिवस में भी ये समस्याएं हमने बताई है, DM को भी बताई है, हमने SDM को भी बताई है। आज यहाँ पे BDO साहब हैं, बाकी अधिकारी मीटिंग में गए हुए हैं, तो BDO साहब को बताइए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले महीने की पंचायत से पहले पहले सभी समस्याओं का निस्तारण ये लोग करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो हमारा धरना अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चलेगा। तो जैसे कि आपने पहले जो धरना तक चलाए हैं और जैसे कि आज तक धरना, तो आप ये धरने क्यों रखते हैं, नाम बता सकते हैं इन धरनों के? नहीं, देखिए, धरने रखने का कारण होता है कि किसान अपनी समस्याएं, अपनी आवाज़ उठा के सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा के अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जाता है। किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं है, सरकार किसानों की नहीं सुनती, अधिकारी किसानों की नहीं सुनते, तो किसानों के पास एक ही रास्ता है कि अपना जहाँ भी हमारी समस्याएं, जिस अधिकारी से समस्याएं, वहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। तो जैसे कि आपने अभी बताया है कि ये धरना प्रदर्शन जब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप धरना ही रखते रहेंगे? नहीं, जब तक किसान है, देखो, जब तक किसान है किसानों की समस्याएँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। जब तक किसान है तो समस्याएँ चलती रहेंगी और समस्याएँ चलती रहेंगी तो धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे। तो मैं एक सवाल में एक आपसे भी पूछना चाहूँगा, तो जैसे कि जंगलों में गायें वगैरह घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, इसका क्या कारण होता है? कारण तो ये है कि जैसे पहले बैल हल में चलते थे, अब तो हल में चलता नहीं बैल, अब हल में नहीं चलता तो वो रोड पे जाता है। तो ये तो सरकार ने जो घोषणाएँ करी थी कि भाई जो गौशालाएँ हैं या नंदी बैलों की जो वो है, इनको रख रखाव की जो सुविधाएँ, तो सरकार उसे करे, किसान कहाँ लेके जाएगा इनको। तो धन्यवाद सर, आपने इतना हमारे लिए बहुत कुछ बताया, हमारे लिए इतना समय दिया है, बहुत अच्छा लगा सर। नाम पिंटू चौधरी। तो जैसे कि आपने आज यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन लगाया हुआ है, ये किस उपलक्ष्य में, आप क्या कुछ कारण बता सकते हैं? भैया, कारण क्या है, तो बहुत समस्या, गाय भागी फिर रही हैं और बहुत समस्या, सड़क भी टूटी पड़ी हैं, डॉक्टर कहीं जा नहीं रहे, समस्या आए हैं। तो इस समस्या को लेकर आपने जो समाधान कराने की उपलक्ष्य की है वो किससे की है? वे BDO साहब को ज्ञापन देंगे और उनको बैठाया है यहाँ, उनसे बातचीत करिए। हाँ जी, तो ज्ञापन दोगे अभी? हाँ, अभी ज्ञापन नहीं दिया है आपने? नहीं, अभी नहीं दिया जी। तो आश्वासन दे रखा है। तो जैसे कि धरना लगा रहे हो, आप कब से लगा रहे हो, कब से कब तक का लगाओगे? बस धरना तो अभी धरना लगाया ना है, या तो आज मीटिंग में चेतावनी दी गई है ना, धरना ही लगा देंगे, फिर यहीं लौटेंगे अपना, और यहाँ का ताड़ा बैठ देंगे, जितनी गाय बगी फिर रही है इन्हें ब्लॉक में बांट गए, यहीं लौटेंगे बस अपना। तो इसका क्या कारण है अंकल जी, जैसे यहाँ पर गायें घूम रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, जंगलों में हैं, तो कुछ भैया इन गायों की दुर्गति हो रही है, ये इनसे पकड़वाए, हमने पहले भी इनसे बोल रहा था, ये पकड़ के गई भी थी, गौशाला में छोड़ दें, दिन में ले जावें और रात को निकाल दें वहाँ से, ये तो एक अंधेरी चल रही है, गाय ने कुत्ते फाड़े हैं, जो उनके चोट फैट लगी हम उनका इलाज भी करवा रहे हैं। तो जैसे कि ग्राम पंचायती को लेकर और भी कुछ हमने परेशानियों के बारे में भी सुना है, तो कुछ परेशानी भी आप बताना चाहते हो? भाई, बिजली के महकमे की भी परेशानी है, बहुत परेशानी है किसानों की, तो यार हाँ, गन्ने की परेशानी, हाँ, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा हमारा, हम परेशान एक रुपये से बता कहाँ कहाँ जावें हम, हाँ, किस सिर मारे। तो जैसे कि इस बात को लेकर आप सरकार से क्या करना चाहोगे? बस सरकार से यही कहना है भैया, हमें सरकार से, हमें लड़ाई जो है ना, हमारे किसी पार्टी से नहीं है, हमारी सरकार की नीतों से लड़ाई है, बस हमारे काम करते, हमारे काम जो है, अभी देखो बिजली के बिल मीटर क्यों लगा रहे हैं ये, अरे हम पे ये 800 रुपये तो महीने के देने जा रहे, हम 8,000 कहाँ से दे देंगे?
तो हमारी ये समस्या है, सरकार से ये अनुरोध है, पेमेंट होने लगे। हाँ, हमारा गन्ने का पेमेंट सही होने लगे, सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं जी हम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, जो आपने हमारे लिए इतना समय दिया। अर्जुन नेहरा, NCR महासचिव। तो जैसे कि यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन आप जैसे कि धरना प्रदर्शन लगा रखा है, तो ये किस उपलक्ष्य में आपने आज धरना प्रदर्शन लगाया है? किसानों की समस्या के लिए लगाया है। यहाँ ज़्यादातर गांव हैं, जितने भी लगे हुए गांव हैं, सबसे पहली समस्या गाय की। योगी जी ने कह रखा भाई गाय के लिए गौशाला है, तो इन्हें गौशाला में ले जाओ। ना ले जा रहे हम छोड़िया होंगे, खेतों में ना जाएं, सड़क पर ना आएं, सड़क पर आएंगे ट्रैफिक से एक्सीडेंट हो जाए, और खेत में जाएंगे तो खेत खाती हैं। तो इनकी व्यवस्था भाई यहाँ गौशाला में छुड़वाओ। अब यहाँ कहने के लिए आए हैं, ज्ञापन देंगे जो है, ज्ञापन दे के देखो क्या समस्या का हल होगा, अगले महीने फिर आऊँगे, हर महीने होता है। तो आप जैसे कि यहाँ पर ज्ञापन किसको देना चाहोगे? यहाँ देंगे जो बैठे होंगे अधिकारी, उनको देंगे ज्ञापन। ब्लॉक अध्यक्ष है और कोई आए होंगे, हाँ जो भी बैठे होंगे उन्हें देंगे, जो भी अधिकारी है। तो ये धरना प्रदर्शन आप जैसे लगा रहे हो, ये कब से लगा रहे हो और कब तक लगाओगे? तो लगाते ही रहेंगे, जब लोग समस्या रहेगी जब लोग धरना लगाते रहेंगे। ये जो हमारा बात रखने का तरीका है, ये धरना जो है आज से नहीं लगता, ये भारतीय किसान यूनियन के जो महेंद्र सिंह टिकैत बाबा थे, जब से ही लगता आ रहा है। अपनी बात मनवानी है तो धरना देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अधिकारी को दबाव होना पड़ेगा इन्हें। तो जब ये समझेंगे, सुनते या है नहीं अभी। तो देखिए जैसे कि आज जो हमने इस जो इन्होंने भारतीय किसान यूनियन ने बैठक की थी आज, उस उनके उपलक्ष्य में हमने जो लोगों से सवाल किए हैं वो इन्होंने बताया है। ये हमारी धन्यवाद।